वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी। गुड मॉर्निंग, आज है टाइम 7:15, आज 7:15 बजे। अगर मैं आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ तो आप समझ गए होंगे कि आरव स्कूल गया, वरना मैं इतनी जल्दी उठने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि कल हम सब उठे थे 12:30 बजे, क्योंकि सबकी छुट्टी थी। 15 अगस्त था, आज़ादी का दिन था। और आप सोच रहे होंगे मैं बार बार नीचे क्यों देख रही हूँ, ये जो ब्रूनो है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ब्लॉगिंग में गुड मॉर्निंग हो रही है, और ये बार बार मेरे पैरों के आगे पीछे घूम रहा है, तो कहीं ये मेरे पैरों में ना आ जाए, मुझे ये बहुत डर रहता है इसका। उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया, बहुत ज़्यादा नॉटी। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और ये महाशय जी अपने कामों में बिजी हैं, इधर उधर पता नहीं क्या ढूंढा ढंडाई चल रही है इसकी। और सुबह सुबह क्योंकि मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है तो आँखें खुलती नहीं, तो थोड़ा सा एक छोटा सा पटियाला पैक बनाना है मैंने चाय का, और उसके बाद एक छोटी सी झपकी मार के फिर मैं आपसे मिलूंगी नाश्ता करते हुए नियर बाई 11 बजे तक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे 11 बजे मिलूंगी, और मैं अब नाश्ता करने बैठी हूँ। और आप ब्रूनो का हाल देखिए जरा, मेरा क्या हाल कर रहा है वो। गाइस ये देखिए, ये लिटरली मुझे काटने में लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे पिलो लगा दिया है और ये मेरा नाश्ता पड़ा है, तो अब इसको टिकाने के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको पिंजरे में नहीं डालते। और देखिए कितना उतावला हो रहा है, और अपना खाना खा चुका है ये। आइया अब इसे मेरा चाहिए, तो ओ मैं देखो मैंने पिलो अभी ऊपर कूद जाएगा। तो गाइस ये है इसकी बदमाशियाँ और शरारतें कि इसे बड़ों का खाना चाहिए, तो मैं अभी इसे टिकाती हूँ और काम भी जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि आरव को स्कूल लेने जाना है। तो मैं नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस खाना वाना खा के नाश्ता हो गया, सफाई हो गई, सारे काम निपट गए, और अब मैं जा रही हूँ आरव को लेने, और मैं आपको दिखाऊँ ब्रूनो अभी क्या कर रहा है। देखिए ये देखिए गाइस, ब्रूनो कितने आराम से सोया है, देखिए मेरी आवाज़ सुनते ही हिला है, खूब गहरी नींद में सोया हुआ था ये। और अब मैं आरव को लेने जाऊँगी ना, तो मुझे इसे पिंजरे में बंद नहीं करना, ये सो जाएगा। देखा आपने, जैसे उसने मेरी आवाज़ सुनी फटाफट कान खड़े करके देखने लग गया और दोबारा फिर सो गया। तो बस ये ऐसे ही सोया रहता है। आरव को मैं लेकर आ भी जाती हूँ, उसे पता भी नहीं होता, तो इसीलिए इसे पिंजरे में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं जाती हूँ आरव को लेने, और फिर आपको मिलूंगी आरव के साथ। 2000 years later गाइज मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और आज मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई टाइम से, अभी से जस्ट 3 बजे हैं, और आरव आकर बहुत थका हुआ था तो वो सो चुका है। देखिए आपको उसकी खांसी की आवाज़ भी आ रही होगी, मौसम चेंज है लेकिन अंदर गर्मी हो जाती है तो एसी चलाना पड़ता है बच्चों के लिए। तो अभी रात को बहुत लेट सोया था इसलिए वो अब आते ही खाना खा के सो गया है, और मैं बना रही हूँ अपने लिए खिचड़ी। एज यूजुअल आपको पता है मैं दोपहर को वही खाती हूँ, तो ब्रूनो और आरव दोनों सोए हुए हैं। देखिए ये देखिएगा इसी, ये आरव सो रहा है और वो टेबल के नीचे शैतान दिख रहा है, वो ब्रूनी सो रहा है, देखा आपने। और मैंने अपने लिए रखी है खिचड़ी बनने के लिए जो बन रही है अभी, और आरव ने खाया था आलू का पराठा। तो ये देखिए खिचड़ी, अभी तो जब सीटियाँ बज रही हैं और भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है मुझे, तो बस फटाफट खिचड़ी बन जाए और मैं खा लूँ। आज बाहर का मौसम काफ़ी बेटर है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज दिल्ली का मौसम कैसा है। ये देखिए गाइस, धूप काफ़ी कम है, हवा अच्छी चल रही है, एज सच बाहर घूमने का मौसम है, लेकिन क्या करें, ड्यूटीज़ है, ट्यूशंस हैं, तो आप घूमने नहीं जा सकते हो, तो घर बैठिए और बच्चों को पढ़ाइए और बाहर के मौसम का मज़ा लीजिए। आज ट्यूज़डे भी है, मैंने मंदिर भी जाना है, तो मंदिर जाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, फिर देखते हैं रात को क्या बनाते हैं, कुछ हल्का फुल्का अच्छा सा बनाएंगे, और फिर आपको रात को रेसिपी भी दिखाएंगे। गाइस हम अभी बच्चों को पढ़ाकर फ्री हुए हैं, आज बच्चे बहुत सारे छुट्टी पे थे तो आज हम थोड़ा टाइम से फ्री हो गए 7:15 बजे, और सरप्राइजिंगली मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो ये बड़ा अच्छा सरप्राइज था मेरे लिए। और उनको पता है मुझे शाम को भूख लगी होती है, तो वो मेरे लिए लेकर आए हैं गोलगप्पे और भल्ले पापड़, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, तो मेरी पार्टी हो गई गोलगप्पे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और साथ में भल्ले पापड़ी की 2 प्लेट, आज तो मज़ा ही आ गया। थैंक यू जी, स्माइल तो कर दो यार, इतना अच्छा खाना लेकर आए हो। थैंक यू। आइए गाइस और खाइए हमारे साथ भल्ले पापड़ी जो मेरे हस्बैंड लेकर आए, बड़े प्यार से। देखो ये कुछ खाने देगा तो मैं कुछ खाऊंगी ना, बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। चल एक मिनट, ब्रूनो चलो चलो, खाना नहीं होता बिल्कुल भी, आ गया ढूंढ। गाइस मैं मंदिर से होकर घर आई हूँ, और घर आते ही पहले कपड़े चेंज किए क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है,
कि आप किचन में उतने लॉन्ग घाघरे पहन के काम नहीं कर सकते हो। और मेरे दोनों बच्चे, क्योंकि आज बेटी का भी ऑफ था, तो मेरे दोनों बच्चे आज मौसम का फायदा उठा रहे हैं और अपने एरिया के फायदा उठाते हुए बैडमिंटन खेले गए हैं। देखिए गाइज, ये देखिए आरव बैडमिंटन खेल रहा है। वैसे मेरी बेटी भी साथ में है, बट वो पेड़ों के पीछे छुप गई है। आरवी, तू तो सामने आ जा। गाइज ये देखिए, ये खेल रहे हैं बैडमिंटन। और आपको पता है मेरी बेटी तो ब्लॉग में इतनी आसानी से आती नहीं, तो वो पेड़ों के पीछे छुप गई है। चलिए ठीक है, हम चलते हैं अपना खाना बनाने। आज हमने बनानी है मूंग मसूर की दाल और भरता। तो दोनों फटाफट मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो बार आपको दिखाया हुआ है। चलिए आइए हमारे साथ, चलिए रसोई में। गाइस देखिए, यहाँ पर दाल उबल रही है और ये दोनों बैंगन पहले भुने जा रहे हैं गैस पर, क्योंकि मसाला मैं रेडी कर लूँ और बैंगन ख़राब निकले तो फिर वो मसाला वेस्ट हो जाता है मेरा। तो अभी अगर बैंगन सही निकले तभी बैंगन का भरता बनेगा और फिर साथ में दाल को तड़का। गाइस हमारा खाना बन चुका है, हमने बनाई है मूंगी मसूर की दाल और भरता। ये देखिए गाइस, ये है बैंगन का भरता और ये है मूंगी मसूर की दाल। और दोनों की रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की हुई है, इसलिए अब आज मैंने नहीं किया। और वैसे भी बच्चे बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे, तो मैं किचन में काम करते करते तो ब्लॉग बना नहीं सकती। तो ये है हमारा आज का सिंपल शुद्ध शाकाहारी डिनर। बच्चे बाहर से बैडमिंटन वगैरह खेल के घर आ चुके हैं और अभी है डिनर टाइम, चपाती चुपोती बनाने का टाइम। और क्योंकि आरब का सुबह स्कूल नहीं है ना, तो आराम से सोएंगे। एक आधी मूवी तो जरूर देख ही लूंगी मैं। तो आपसे मिलूंगी कल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस और अपडेट आप तक आती रहें। एंड थैंक यू वेरी मच जो हमें प्यार करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, एंड इट रियली रियली मीन्स अलॉट टू मी। और कल देखते हैं क्या करते हैं, कल आरब का स्कूल नहीं है तो कुछ ट्राई करेंगे अच्छा अच्छा करने के लिए, आपको कुछ नए नए ट्रिक्स और आइडियाज बताने के लिए। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।